नमस्कार, आप देख रहे हैं जोधाना अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। ग्राम कांकाड़ी जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस की जांच हुई तेज। खबर जोधपुर से आ रही है, जहां कांकाड़ी जमीन मामले की जांच एसीबी चक्रवर्ती सिंह को सौंपने के बाद जांच तेज हो गई है। एसीबी चक्रवर्ती सिंह ने आरोपी विनोद सिंह भी, मुकेश सिंह भी, राजेंद्र सिंह इंदा, सुनील जैन, राजकुमार से मामले में पूछताछ की है। पूरा मामला आपको बता दे कि जयपुर के रहने वाले गजेंद्र सिंह ने वर्ष 2009 और 10 में राजकुमार चावला, सुनील जैन जुगल सांखला और ग्राम काकानी में जमीन खरीदी, जिसके बाद विनोद सिंह वी कोजाराम और राजेंद्र सिंह इंदा ने धोखाधड़ी कर जमीन अन्य को भेज दी, जिसको लेकर उदय मंदिर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। लेकिन विनोद सिंह वी, मुकेश सिंह वी, राजेंद्र सिंह इंदा, सुनील जैन और राजकुमार चावला अपने राजनीतिक रसूख के चलते मामले को दबा रहे थे, जिसके बाद कमिश्नर से गुजारिश कर मामले की जांच बदलने का निवेदन किया गया, जिस पर जांच एसीपी चक्रवर्ती सिंह को दे दी गई। पीड़ित गजेंद्र सिंह ने बताया है कि मैं मानसिक रूप से परेशान चल रहा हूं। विनोद सिंह भी सहित अन्य आरोपी अपने राजनीतिक रसूख के चलते मामले को दबाए जा रहे हैं। तो वहीं पूरे मामले में एसीपी चक्रवर्ती सिंह ने विनोद सिंह भी सहित अन्य आरोपियों से पूछताछ कर जांच को तेज कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं जयपुर का निवासी हूं। मैंने वर्ष 2009-10 में ग्राम काकाणी में जमीन खरीदी थी, जो राजकुमार चावला, सुनील जैन और जुगल सांकला के से खरीदी थी, और इसी संबंध में मैंने उदय मंदिर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया हुआ है जनवरी 2022 में, जिसमें इन लोगों ने विनोद सिंह भी, ओजारा में और राजेंद्र सिंह इंदा के साथ मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी की, जमीन को अन्य लोगों को बेच दी गई, किंतु इनके राजनीतिक रसूख के कारण कार्रवाई नहीं होने दी गई, जिसके चलते मैंने प्रार्थना पत्र देकर जांच चेंज करवाई, जो कि वर्तमान एसीपी चक्रवर्ती सिंह जी के पास है। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, मुझे प्रशासन से न्याय की उम्मीद है, मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय दिलाया जाए और इन भूमाफियाओं के खिलाफ अन्य कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं जिनमें जांच चल रही है। तो मेरा आग्रह है कि मुझे 1.25 साल से न्याय नहीं मिला, तो मुझे न्याय है कि प्रशासन मेरे को न्याय दिलाने की कृपा करे और एवं ऐसे भूमाफिया। जी सर, देखिए उदय मंदिर थाने में दो प्रकरण दर्ज हुए, एक मार्च 2022 में हुआ है, दूसरा 2023 में हुआ है। बेसिकली जमीन से संबंधित कोई विवाद है, काकाणी में लगभग 100 से 110 बीघा जमीन है, उसको पहले, इसमें जो मुकदमा मार्च 2022 में दर्ज हुआ वो एक जयपुर निवासी गजेंद्र सिंह ने करवाया, जिसमें उसने बताया कि उसकी फर्म के साथ जो है इसमें एग्रीमेंट हुआ और बाद में उसके साथ धोखाधड़ी की गई और वो ज़मीन किसी अन्य को बेची गई। उसमें उसने जोधपुर निवासी राजकुमार चावला, सुनील जैन, जुगल सांखला, विनोद सिंह भी, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। और दूसरा मामला जो है वो सुनील जैन ने प्रकरण दर्ज कराया मार्च 2023 में, और उसमें उसने विनोद सिंह भी और राजेंद्र सिंह इंदा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये तफ्तीश पहले उदय मंदिर थाने में वहाँ पर की जा रही थी और कुछ समय पहले दोनों जो प्रकरण है उनकी तफ्तीश मुझे सौंपी गई है। अभी जांच इनिशियल स्टेज में है, आगे इसमें जांच कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जोधाना अब तक न्यूज़।